जोन आगू सरदार बलविंदर सिंह जी चोला जिन्हां ने बहुत विस्तार नाल जानना पाया कि सरकारां सानू किवें गुलाम बनाउणा चाहुंदियां ते सानू सुचेत होना पऊगा, सानू जागना पऊगा। जिथे अपनी कमेटी अगे बनी आ वीरां दी, उत्थे नवा प्रपोजल आ भी बीबियां दी कमेटी बने, उत्थे भी विचार करदे आ बीबियां दी कमेटी बनाउणी बनाई जाऊगी अज। बाकी सारे विचार करन वाली गल आ, जिहड़ा ये रौला हुण पैण डिया वा आ 6 महीने पहले ही पैना शुरू हो गया भी वोटां आ गईआं वोटां आ गईआं। गांव वाली तो बह के गल सुन, नहीं एक घर नूं वीर जी गांव जां एक बंदे नूं जिताउण लई बड़े तरलो मछी होंदे आ, वो कोई भी होवे भावें कांग्रसी आ भावें अकाली आ भावें कोई आम आदमी पार्टी आ, अहीं एक बंदे नूं जिताउण लई पूरा जोर लाउंदे आ, अहीं अपने वास्ते खड़े नहीं होंदे। वेखो जे कोई अकाली सरकार आउंदी है तां कांग्रसियां दे खतम, उदों ही कार्ड खतम, उदों ही कणक खतम, जो अकाली आते तो कांग्रसी आते तो अकालिया के खत्म। ये धड़ेबाजियां बनाते साढ़े च, इन्हों तो बचा जाए। हुण मेरे वीर साढ़े जोन के सकत्तर सरदार हरजिंदर सिंह जी शकरी आ जाओ बह जाओ, तुहानूं विचार दसणगे। वाहेगुरू जी का खालसा। यार गल सुनो कर आ जाओ रे, वो गाड़ी आ जाओ। हाँ गुरुद्वारा साहब की हजूरी अंदर बैठी हैं मेरिया मातावां भैणां मेरे नौजवान वीर बजुर्ग बुलाओ फतेह, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। वीरो जिहड़ी अपनी मीटिंग हुंदी आ ना, वह चाहे पिंड की होवे चाहे जो जोन की होवे चाहे वह जिले की होवे ते चाहे वह सूबे की होवे, एक अपनी क्लास आ, ये अपनी जमात आ। क्योंकि पता नहीं साडी ये आदत बन चुकी आ कि जदों असीं भी स्कूल पढ़ते रहे हैं जां जिहड़े हुण भी बच्चे आ मगरली कतार च जाके बहना, जिहड़ी मगरली कतार च कदी जाके बहिंदे हुंदे ना कदी कुछ सिखदे नहीं हुंदे। गुस्सा ना करिओ मेरे वीर, जां असीं किसे दे भोग ते चल जांदे ते जदों कीर्तन होण डिया हुंदा ना ते मत्था टेक के पिछाँह जाके बहना जिथे जगह वेली जी हुई, क्योंकि आपां जिहड़ी आ जमात आ अपनी। क्योंकि जे आपां घंटा खंड अपनी मीटिंग आ, वध तों वध मैं 5 तों 7 मिंट लाउणे 10 मिंट आपां समाप्ति कर देनी है, क्योंकि अहीं भी अगले पिंड जाणा मतलब तुसीं भी कम धंधे करने जाके। ये जमात आ क्योंकि 10-15 मिंट जे आपां घंटा भी नहीं कढ सकदे ते फिर आपां जिहड़ी एड्डी वड्डी लड़ाई जिहड़ी आ किवें जित्तांगे। बहुत बहुत ढोटियां नगर दा जिहड़ा वा धन्नवाद आ, क्योंकि तुरे तुसीं नवें जे पर जिथे भी तुहाडी ड्यूटी लगती है वधिया तनदेही दे नाल निभाउंदे जे, पिछे जिन्नियां भी टर्मां अपनियां दिल्ली 3-4 गईआं वा वधिया तुहाडा उपराला रहा वा, जिन्नी तुहाडी सख्ती दी ड्यूटी रही आ तुसीं निभा के आउंदे रहे जे। जो पिछले दिनां दे विच सानूं थोड़ा जिहा आपदे भरा ते रोस सी सरदार कवंसो, ते अज्ज उह वी रोस इहने पूरा करता कि साडियां भैणां नूं बतावां नूं, क्योंकि जा इह मैनूं जाणदे मैं इहनां नूं जाणदा ही आ विच आण के बैठे आ, ते बहुत बहुत इहनां दा मेरियां मातावां दा भैणां दा धन्नवाद। क्योंकि मैं इहनां नाल पिछे जिक्र कीता सी ठठियां मत्तां इक मीटिंग लाई सी ते मैं फोन किया, मैं क्या मैं कुलवंसों जी बीबिया लेके आओ, कुलवंसों आना यार बीबिया तो साढ़े तो है नहीं गिया। नहीं सच्ची गल आ, गुरद्वारा साहब खलोते यो गल यो गल असलीत गल आ, बीबिया तो साढ़े तो होनी। मैं चलो सानू तो परमात्मा ने बख्शिया ही तो लैके जावे फिर हूँ उत्ते। नहीं माता सच्ची सच्ची गल हुई हुई आ, तो सो ये आ कि मतलब 20-21 पिंड सेवादार चौकीदार हाँ जिदे दसा पिंड की हाजरी लगी, 10 पिंड यो शर्म महसूस करके यार असी बीबिया खड़ीए, पर नहीं यहो जी गल नहीं कोई भी होंगी। 50% जो हिस्सा वा ना वो अपने बीबिया ना, क्योंकि जे अपना घर जनानी सिरते आ ना तो वेखो जे तुम धरने बाजारे तो जाते जे दिल्ली जाते जे असी तुहानू फोन कर देने कि कुलवंसो जी इन्ने बंदे लेके आओ तो तुहानू प्रशादा पानी पका के देंदियां कि नहीं देंदियां, कपड़े प्रेस करा के देंदियां कि नहीं देंदियां, तो तुहानू खुशी तोरदियां। हुण जे अहीं घरों लड़के आवांगे अपनी सिंघणी नाल तो भुखे घरों आवांगे तो इत्थे आण के भी की सवार देंगे। सो ये आ कि जिहड़ा संजोग आपां नूं घरों मिलना ना वो घरों ही मिलना, पर साडे मन दे विच पता नहीं दिमाग दे विच फिट हो गया एक ते बाहर दी गल असीं घरे जाके दसनी नहीं, क्योंकि जे असीं मीटिंग दे विच आए हाँ उहनूं इत्थे नहीं आपां जिहड़ा वा खत्म कर जाणा अपने बच्चियां 'च, चाहे वह धी होवे चाहे वह पुत होवे एक समान आ, अपनी पत्नी तक अपनी माता तक ये जी आप गल पहुँचा कि
कि जिहड़ी इह काले कानूनां दे विरुद्ध असीं लड़ाई लड़ रहे हां, काले कानून आ, इह साडी रोटी दी लड़ाई आ। जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब जिहड़ा वा दिल्ली सिंघू बार्डर दे उत्ते जिहड़ी आ लड़ाई लड़ रहा वा, क्योंकि रोटी जिहड़ी आ हरेक वर्ग ने खानी आ, कोई भी होवे, किसान होवे, मजदूर होवे, विद्यार्थी होवे, मुलाजम होवे, कोई भी आ बंदा, रोटी हरेक वर्ग ने खानी आ। जिस तरह मतलब सियासी भी आ, इन्हां भी रोटी खानी आ। पर अहीं की आ, अहीं भरा मारू जंग पैदा की हुई पिंडां दे विच, एक वीर साडा मतलब अकाली दल नूं सद लैंदा, दूजा गुस्से हो के ते कांग्रेस नूं सद लैंदा, ते जिहदा कोई रोक ना आया ते उहने लालजीत भुल्लर नूं सद लैणा, क्योंकि असीं वंडे गए हां पार्टियां 'च। वेखो अहीं आपणा जिहड़ा वैर पालिया वा, वीर मेरे हसदे आ, वैर पालिया वा, क्योंकि वेखो जिहड़ी साडी दुश्मन जमात असीं उहनूं पछाणीए। साडा दुश्मन कोई पिंडां दे विच नहीं, चाहे वह अकाली आ, कांग्रेसी, जां कोई आम आदमी पार्टी वाला, कोई साडा दुश्मन नहीं पिंडां 'च। अहीं सारे एक आ, साडा भाईचारा एक आ, साडे परिवार एक आ। पर यह है कि तो चलो थोड़ा पिंड वड्डा वा, जिदा मेरा छोटा जिहा पिंड आ, साडा परिवार ही एक आ, संधू परिवार सरहाली चों निकल के गए हाँ, क्योंकि परिवार ही एक आ। पर यह है कि इन्हां पिछे लग के सानू कदी भी वैर नहीं पाउणा चाहीदा। आ पिछले दिनों दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अस्तीफा दिता, किसी उन्हें सरपंच नूं, तुहाडे चुने हुए नुमाइंदे नूं, किसी नूं उन्हें पुछिया? पुछिया तक नहीं। जो उहदे दिमाग ने कहा सो उहने कीता, जो अगली गल उहनां नूं चंगी लगी उह उहनां कीती, क्योंकि दो दिन इहो रौला चलता रहा, फलाना आ गया, दूजा आ गया जी, तीजा आ गया, तो जिहड़ा वा मतलब चरणजीत चन्नी 5 मिंट बाद जिहड़ा वा मुख्यमंत्री बन गया, क्योंकि जिहड़ा राज ते ताज हुंदा इह तुरों लिखिया हुंदा। बाकी इह आ कि बहुती ज़्यादा जिहड़ी इहते वी तुसीं आस नहीं कि रख सकदे, जे 4.5 सालां दे विच, 4.5 सालां दे विच कुछ नहीं होया, तो 70-80 दिनां दे विच इहो जिहा कुछ होण वाला नहीं, क्योंकि तुहाडे सुपनिआं दे आण दा कोई भी नहीं। लोकतंत्र दे विच ठीक है सानूं हक आ वोट पाउण दा, जथेबंदी ने ना कोई बंदा खिलारना, ना किसी नूं समर्थन देना, जिहड़ा तुहानूं चंगा लगू उहनूं तुसीं वोट पा लिओ। 74 साल हो गए आ तुसीं वोटां पाउंदे आए जे, सरकारां बणाउंदे आए जे, पर साडा बड़ा तकड़ा इक भुलेखा वा कि सरकार असीं बणाउने आ, बिलकुल नहीं। क्योंकि असीं की करदे, जिहड़ा बंदा कांग्रेस ना, उह कहिंदा वा कि आपणी सरकार आ गई, आपां सरकार बणाती, इह सानूं भुलेखा दूर करना पऊ। जिहड़ी सरकार आ इह 5-4 घर सरकार बणाउंदे आ, 5-4 घर सिर्फ, क्योंकि वैर असीं जिहड़ा वा पिंडां दे विच पा चुके हाँ। जिहड़े वड्डे वड्डे अदारे आ, वड्डे वड्डे घराने आ, वो जिन्हों चाहुंदे आ उहनूं कुर्सी ते बा दिंदे आ, जिन्हों नहीं चाहुंदे उहनूं कुर्सी तों ला दिंदे आ। मोदी नूं बवाउण वाले अंबानी अडानी हुए आ, 95 लाख करोड़ रुपया जिहड़ा इन्हां मीडिए नूं दित्ता वा कि सिर्फ मोदी नूं मशहूर करन दे लई, ते मोदी उन्ना गड़ी गोडे टेक के बैठा वा, जिस तरह साडे प्रधान जी गल करके गए आ कि ये जिहड़ी मतलब समय गया, ये कितें पहली रहनी आई, अगे भी आउंदी आ, पर ये भी एक तुहाडी वड्डी जित आ कि जिहड़ा अडानी दा ये समुद्री जहाज आ जिहड़ा फड़िया गया वा, क्योंकि ये उन्हां नूं भी नीचा दिखाउणा चाहुंदा कि इस तरह मैं इन्हां नूं थले ला के ते किसानां दा मसला लगा। इहदे पिछे भी एक सियासत आ, पर वीरो इहनां दे पिछे लग के मतलब अपने परिवारां दे विच, अपने घरां दे विच वैर पाउण दा कोई नहीं। वोट तुहानूं जिहड़ा चंगा लगू पा लिओ, जिहड़ा भी चंगा लगू, क्योंकि सानू इन्होंने 74 सालों तो गलियां नालियां दे विच उलझा के रखता। कित्थे गए साडे मैनीफेस्टो? 4 हफ्तियां दे विच नशा खत्म, घर घर नौकरी, सारा पंजाब कर्जा मुक्त। किसी उस माँ प्यो नूं पुछ के वेखियो जी, जिहदा पुत नशे दे विच लग्गा आ वा, ते सरिंज लगी हुंदी विच ते मौत हो जांदी आ, ते जिहड़ा छोटियां छोटियां बुरकियां दे के माँ प्यो ने बच्चा पालिया होए, असीं परिवार वाले हाँ, मेरा भी छोटा जिहा बच्चा वा, आप ही उन्होंने कानी ला के तो लांबू लाना पै जाए, उस तो बाद जो माड़ा समा नहीं कोई हो सकता। की लेना सी इन्हां सरकारां तो, घ्योर भी कहता कुछ दिता सरकारां ने, गुड़ के साहबां दीआं सौं खा के, तो साडे गुरु ग्रंथ साहिब दी इन्हां बेअदबी अकाली दल ने करती, कांग्रेस ने किहड़ी घट करती आ? क्योंकि जे आपां सौं खा ली आ, सब तो वड्डा जिहड़ा न्याम आ इक सौं दा हुंदा सी, कि वह भी जिहड़ा वा इन्हां साडे तो खत्म करता। कोई भी सच्चा बंदा हुंदा सी उहनूं इह हुंदा सी कि मैं सौं दे दिंदा, किहदे उत्ते विश्वास करांगे तुसीं दस दिओ। आम आदमी पार्टी आ गई, उहने की कीता? दिल्ली दे विच साडा पानी बंद करता, साडी बिजली बंद करती, साडा नैट बंद करता, क्योंकि जिहड़े 27, 28, 29, 30 जनवरी नूं वीर उत्थे ही ढोटियां दी संगत उत्थे होऊगी, उहनां नूं पुछ के वेखिओ कि उह जिहड़ा समां वा उह किहड़े हालातां दे विच गुजारिया, जदों साडे उत्ते पेट्रोलिक बंब आउंदे सी, ते जदों RSS दे गुंडे आण के घंटे घंटे बाद अटैक करते, क्योंकि उदों घर दे जिहड़ा साडा परिवार सी, साडे भी छोटे छोटे बच्चे, फोन चलते नहीं सी, ते जदों आपां टीवियां दे विच, इत्थे सोशल मीडिया दे विच वेंदे सी,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਆ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 1931 ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਜੀ 101 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਪਊ ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਕੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਅਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੀਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਝੂਲਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੱਜ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੇਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਿਓ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਆ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਪਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ MLA ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹ ਆ ਦੂਜਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਵਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਇਹ ਮਰੇ ਗਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗਏ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਏ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਪਰ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀਰੋ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਧਣੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਲਵੰਸੋ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਗਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਆ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਠੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਗਰੀ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੁਣੇ 500-700 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋ ਅਗਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਇਹ ਮਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਆ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਕਲਵੰਸੋ ਤੋਂ ਆ ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨੇ ਵੀਰ ਕਲਵੰਸੋ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਵੇਖੋ ਐਡੀ ਤਮਾਸ਼ਗਿਰੀ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਮਤਲਬ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੜਿਆ ਰਿਹਾ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਟੀਮ ਵਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖਲੋਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ ਆਪਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ 11 ਬਣਾ ਲਓ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੋਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੋਊਗੀ
क्योंकि लड़के कमेटी बनाई है कि असी कमेटी बनानी है, क्योंकि पिछली वार जो 15 अगस्त मनाई वड्डा बीबिया का जिहड़ा विशाल इकट्ठ उत्थे अपना होया, हुण अपना जिहड़ा 28 तरीक नूं जिहड़ियां जमाबंदियां दी आपां लड़ाई लड़ रहे हैं, किसे मेरे वीर ने जमाबंदियां नहीं देनियां। ठीक है, उन्होंने को रिकॉर्ड हैगा वा, जदों उन्होंने कोल तुहाडे आधार कार्ड लगे आ तुहाडे खातिआं च, ठीक है, वो रिकॉर्ड लै सकदे आ, पर जिड्डा वधिया रिकॉर्ड जिहड़ा उन्होंने चाहिए ओडा वधिया रिकॉर्ड वो नहीं लै सकते, क्योंकि लोगों दीआं तकसीमां दीआं लड़ाइयां चलन दीआं वा, लोगों के आपस में घर के विरोध चलन डे आ, कुछ साढ़े वीर NRI बैठे आ जिहड़ा वा वो जमाबंदियां जिहड़ियां वा सही कभी नहीं आ सकदियां। जे अपने को 5 किले पैली आ 10 किले पैली आ, तुसीं अज नंबर लवा के वेख लो 7-8 किलिया के आने आ, 2 किलिया के तुहाडे नंबर ही नहीं जमाबंदी च आउणे। जे मन के चलो आप जमाबंदी दे दें तो साढ़े खाते के पैसे आते तो 1 लाख रुपये 18,000 रुपया जिहड़ा वा सरकार ने कट्टना, जे वो GST कह लो वो गुंडा टैक्स कह लो। सानू इहदे उत्ते लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? तुहाडी जथेबंदी ने जो लाण किया वा 28 का 29 का 30 का 28 नूं जिहड़ियां वा अपनियां जोनां की वारी आ, 29 नूं जिहड़ा वा अपनियां 12 जोनां की वारी आ बीबियां की, हरेक जोन की जिहड़ी आ 150 बीबी का जिहड़ी आ मतलब उत्थे आपां गिणती खड़नी आ, उह तुसीं करनी आ अपने पिंडां चों जाणी आ, ते 30 तरीक नूं 1 जोन उत्थे मतलब ड्यूटी निभाऊगी, 1 तरीक तों 10 अपनी जथेबंदी जिहड़ी आ 14 जिलों 'च वा, ते 10 जिलों 'ते आपां जिहड़ियां वा ट्रेनां घेर रहे हां, फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर, हुशियारपुर ते तरनतारन। जिन्नी देर तक मतलब सरकार आपां बिना जमाबंदियों तो पिछली जितना भी मतलब पिछे खरीदा होंदिया ही उस तरीके नहीं झोना खरीदी उन्ना चेर आप उठने वाले नहीं। ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? सारे किसान पर उची दसो यार चाहिए है ना, वो लड़ाई फिर तुसी लड़नी जी, असी कल नहीं लड़नी, वो लड़ाई तुसी लड़नी है, क्योंकि ये आप हम आखी जाने कि झोने पक जाने इदा हो जाना कुछ नहीं जे पकना। 5 तरीक नूं आपां जाना जे 16 नूं वापस आ जाना, जिस तरह मीह पई जांदे आ मौसम दे विच सरवाई आ गई आ, अजे घट्टो घट झोने ने 1 महीना लैना जी, 18 तों 20 तरीक के दरम्यान सारे दे झोने पकने आ, तगड़ी गिणती आपां जिहड़ी आ दिल्ली दे विच खड़नी आ 10 अक्तूबर तों पहलां। जे आपां मतलब रेलां नप लैने आ वड्डे घट कर लैने आ तो हो सकदा 5-7 अक्तूबर तक कोई ना कोई फैसला हो जाए, क्योंकि वढ़न दा झोना सानू तां ही फायदा ना जे ज़्यादा गड़ी बोरियां च पवे ते तगड़े हो गए मेरे वीर 28 नूं ते 29 नूं बीबियां दा कट्ठ, उहदन वीरां दा नहीं, ते मुड़ के जिहड़ी आ तुहानूं छुट्टी दे देनी आ, फिर आपां जिहड़ा वा 5 तरीक नूं जाणा वा, जिहड़ियां आपणियां 8 जोनां इत्थे रहणियां उह जिहड़ियां आपणियां लैणां दे उत्ते जिहड़ियां वा लड़ाई लड़नगियां। सो यह आ कि मैनूं आस आ जिहड़े हिसाब नाल तुहाडी गिणती जांदी रही आ, मैं तुहानूं हत्थ जोड़ के अपील करदा कि घट्टो घट तुहाडी जिहड़ी आ 35 बंदियां दी अरकी गिणती कलवासों दी चाहीदी आ, चाहे तुसी बीबियां पा के करो ते चाहे तुसी बंदियां दी करो। बोले सोनिया श्रीयां गालो 2 ट्राले। हुण इह चीज़ दा तुहानूं वी पता वा कि कलवासों तो ट्रैक्टर नहीं हैगा, जिहड़ियां पिछे मुश्किलां आउंदियां ट्रैक्टर वी इहने मंगणा ते ट्राला वी इहने मंगणा, की गल यार आपां ट्रैक्टर वाला कोई वी नहीं इत्थे बैठा। साडी जिम्मेवारी बणदी आ कि ट्रैक्टर ट्राला ते कम से कम खड़ीए, तेल उत्थे सांझा पैणा वा पिंड 'चों पैणा वा, क्योंकि आपां नूं जिहड़ा वा जे ते आपां रखांगे कल्ले कलवासों ते जां 11 मैंबरी टीम ते जां 76 ते फिर कम नहीं जी होना। जे असीं आपणी लड़ाई जिहड़ी आप लड़ांगे ते जिहड़ा वा फिर असीं जिहड़ी आ लड़ाई जित सकदे आ। ट्रैक्टरां टूटरां नूं इत्थे कुछ नहीं जी हुंदा, साढ़े 3-3, 4-4 ट्रैक्टर जाए जे कोई उत्थे फर्क नहीं जी पैंदा, इह परमात्मा ने दित्ते जिहदे घर आपां बैठे आ, कीता किहदे पैरां पिछे दित्ते आ। सो इह आ कि सानूं सरबत दे भली दी जिहड़ी आ इह लड़ाई लड़नी चाहीदी आ। मैं हमेशा इक गल करदा नवां कि मैं दिल्ली दे विच सी ते मेरी अपना सिंघणी नूं जिहड़ा वा टैग की प्रॉब्लम आ गई, टैग की प्रॉब्लम आण के ते सज्जी अख की निगाह चल गई, कलवासों उन्हां नूं पता जिहड़े वीर मेरे नाल मतलब ज़्यादा वरतदे उन्हां नूं पता, सज्जी अख की निगाह चल गई, सारे डॉक्टरां ने जिहड़ा वा जवाब देता, वड्डे वड्डे हॉस्पिटलों तक मैं गया, पर यह कि तुहाडी चरणां 'च सेवा करदे आ सारा कुछ, तुहाडी जिहड़ी आ सरबत दे भले सेवा करदे फिरदे आ, ते परमात्मा ने निगाह जिहड़ी उतरां वापस लिया सी, क्योंकि तुहाडियां सीसां वा तुहाडी मतलब चरणा की जिहड़ी आ धूड़ी चुक के मत्थे नूं लाउणे आ, क्योंकि तुहाडे जोड़े झड़न की सेवा मिली आ। सो ये गल करदे कदी ना सोचा करो कि यार साडे घर दा कितना सरूगा, साडे घरे कौन रहूगा, जे असीं माता नूं लै के जां फलाना 10 दिनां तों बाद मुड़ के तुहानूं याद नहीं जे कोई करदा, 10 ही दिन दिल्ली दे जे ते 10वें तों बाद तुहानूं कोई याद नहीं जो करदा, ठीक है ना, कि याद नहीं जे करना। पर असीं की आ कि असीं मोहम्मद दे नाल जुड़े हाँ, कोई मेरी वड्डी फैमिली नहीं, 5 जीआं दी मेरी फैमिली जी, कोई वड्डी फैमिली नहीं, ढोटियां वाले वीर जिहड़े मेरे नाल पक्के जुड़े उन्हां नूं पता सारा कि किड्डी मेरी फैमिली सारा कुछ, पर जिते ड्यूटी लगती है नभाउने आ सारा कुछ करदे आ। पर मेरे वीर तुहानूं हाथ जोड़ के बेनती आ, क्योंकि अपनी 5 तरीक नूं आपां जाणा ते 16 तरीक नूं आपां वापस आ जाणा,
मुड़ के अपनी 140 दिन बाद वारी आनी है, पूरे 4.5 महीने बाद 16 मार्च में, क्योंकि इन्ने चिर बाद कलवंस उ जानू जी कर पा, एक साल के दो वारियां कोई जा रही जी वी लड़ाई आ, एक साल के सिर्फ दो वारियां होनिया। तो पर यह आ कि एक जो मैं मैसेज पाँगा नवा जां मतलब कोई वीडियो आँदी है तो कलवंसो अगे मैंने ये गल शेयर की है कि वह ग्रुप के पर मुड़ के फोन ना डीकया करो, मुड़ के नहीं आप गल डीकनी कि जो ये ग्रुप से गाड़ी थोड़ा पिंड का ग्रुप बनया वा कि सानू फिर मतलब फोन करे, ये अपनी ड्यूटी बनती है, क्योंकि चलो ठीक है बंद मतलब कमां धंधे के बंदे कई कहा जाता कई नहीं कहा जाता, बाकी एक गल मैं तुहाडे सिर ते वादा करदा कि जिहड़े काम तुहाडे पिंड च सरकारां तों नहीं होए वो तुहाडे सेवादार कर देणगे ते करन वी डए जी, जिहड़ा काम मतलब कि गिल तों ना आऊगा देश प्रताप कैरों तों ना आऊगा वो काम तुसीं करा लोगे, ये गल मेरा तुहाडे नाल वादा, वो समयक गोलियां तों बगैरा चाहीदा, होर जिहड़ा मर्जी काम होवे, जिहड़ा मर्जी कोई ट्रांसफार्मर दा होवे, कोई पुलिस प्रशासन दा होवे, कोई होवे, पिछे जे अपना वड्डे भाई साहब नूं चुक के खड़िया है ना SHO मंदा बड़ा ही अपना नवदीप, तो उत्थे लै गया मैं, आ जा तू किन्ने चिर नूं आउणा, तेरे तों पहलां ही थाने आ जाणा, तो दही मिट्टी इत्थों ही जिहड़ा वा इन्हां दी दुकान गाड़ी मुड़ के कलवंसों दे तार गया, ये तुहाडी पावर आ सारी, ये तुहाडी पावर आ। बीबियां दी कमेटी असीं क्यों बणाउणे आ, यकदम आपां नूं जिहड़ा वा लोड़ पै जे कोई 10-20 बंदिआं दी, नहीं साडे तों गिणती पूरी हो सकी, असीं अपणीआं मतावां भैणां नूं खड़ के गिणती पूरी कर सकदे, जे मतलब कलवंसों नहीं चल जाणा, ये जिमी होनी सारे चल जाने, जसबीर वीर होनी सारे बाहर चल जाने, अंग्रेज होनी सारे, तो मतलब जे कोई इतने बिजली वाला पै जाए तो जे जथेबंधक होनगियां उस चीज़ का विरोध कर लेना, आ चीज़ का तुहाडे गाड़ी तरला मारदे आ कि जे सारे बाहर चल जाएंगे तो मतलब कम से कम एक अफसरशाही ने गलते कर लेंगे, उन्होंने घेर के विचार तो पूछ लेंगे, तो किसी की जरूरत नहीं तुहाडी आ सड़क जी थले उतर जी, ए करके जिहड़ा वा जथेबंधक करना चाहते हैं ये तुहानू ही फायदा जी, तो बाकी ये जिहड़ियां लहरां होंदियां वा जिन्नियां वड्डियां हो जाण उन्निया चंगिया होंदिया वा, क्योंकि जी लोग लै रहा जे तुसीं वड्डी कर लोगे, बाकी वोटां की कोई इहो जी गल नहीं हैगी, मैं फिर बार बार गल करदा जिथे मर्जी पा लिओ, जिथे मर्जी पा लिओ, पर एक चीज़ जरूर वा कि जे असीं हक इन्हां दरियां ते बह के लैणे आ, असीं दिल्ली दे विच वी इन्हां दरियां ते बह के हथ हक लैणे आ कि जे साडे सुपनिआं ध्यान देणी फिर इहो जिहीआं सरकारां बनाउण दा वी सानूं कोई फायदा, जिन्हें सानूं लुट्टिआ कुट्टिआ साडे किरती लोकां दी इन्हां ने लुट्ट कीती आ, जे ते साडे कोई सुपनिआं ते हाण दीआं ते दस दिओ, जिस तरह इन्होंने गल की आ कि एक गरीब का जिहड़ा वा कार्ड इत्थे हुण मैं मतलब वो आया नहीं गा की अपने नाम उहदा भला मजदूर सिंह दा हैप्पी उहदा कार्ड कटता हैगा, उहदा राशन कार्ड कटता ते मुंडा उहदा कोठे डेक के तुहानूं पता सट लग गई, उहने बड़े तरले मारे कोठे डेक ते उहदे सट लग गई, ते जे असीं उहदा कार्ड कटाता ते यार बदसीसां वी किते लगणगी, नहीं कटाउणे चाहीदे किसे मजदूर दे, सरकार यार जिहड़ी मर्जी आई जावे जिहड़ी मर्जी सरकार आ जे जो कुछ मर्जी आ हैगे ते यार असीं पिंड दे ही आ, जे वो कल ही आ जा कांग्रेस ही अगर टोटियां नगरदा ही है ना, सानू इहो जे काम जिहड़े आ नहीं करने चाहिए, जे मैं किसी के विरुद्ध बोल गया वहां तो वीरो माफ करियो जे, सारे वीर धन्यवाद, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये मेरे वीर सरदार हरजिंदर सिंह जी शकरी जिन्ह ने अपने बहुत कीमती विचार रखे है, गल्लां तो बहुत ज्यादा जिन्नियां करिए घर दियां गल्लां अपनियां ते तगड़े हो गए जिस तरह ने इन्होंने कहा, इन्होंने मैं 35 बंदे कहा आप 40 करिए फायदा, मेरी जेब चो तो निकलने नहीं, आपू कले कले कह की बजाय जे तो बहुता बेहतर हो 5 अक्तूबर तो पहला पहला यानी कि 30 तो पहला पहला नंबर ना दीए अपने आप जो आप ना दिता वो सब तो वधिया नगर के हिसाब से 35 बिल्कुल जायज आ, 40 करिए नगर टूट गया पिंड, गल तो यही है भी 40 करिए ना आप दियो तो बहुत वधिया, क्योंकि लड़ाई अपनी है अपनी चुल्हे की लड़ाई है तो तगड़े होकर लड़िए, तो बहुत सोहना तुम साथ दिता अज भी पिछे बहुत सोहने साथ दिते है, जिस तरह वीर जी ने कहा कि बहुत काम जेडे MLA MP नहीं कर सकते, वो की करते सू टाल मटोल करते है, पिछे तो साडा काम पिया ही तो अं कराया फोन फान कराए फोन कराए पर साडा काम नहीं होया, जो काम नहीं होया तो मैं प्रधान जी उन्होंने कहा, मैं क्या भी साडा मुश्किल बड़ी तगड़ी है, वो ट्रांसफार्मर ही कला कला चाहते हैं तो उन्होंने रखता व्डा साढ़े पैड़ियों के कलारा ही पै फिर तो साड़ी सुनता कोई नहीं, डिंपे ने फोन किया अं गए तो कहता कि डिंपा मैं फोन नहीं आया कोई, चलो आया हो दसो ऐ भी आह काम है, वह कहना यह हो ही नहीं सकता ये नहीं होना ऐसी कहना यह नहीं होना, अं वापस आ गए प्रधान जी उन्होंने बुलाए मैंने कहते मौका विखा अपना की है
उन्होंने जाके मौका देखा तो मैंने कहते काम ही तरह सीधा है इन्हों की तरह जहाँ कला रखने से मैं कहा रखते नहीं हो उस वे अं एस सी को गए प्रधान जी नाल गए मिनट पांच लगे पंजा मिनटों में छेवं मिनट नहीं लगा सूँ उन्हें तिने ट्रांसफार्म पास करके दिते ये वादा किया उन्हें पंजा तो सत्तर दिनों अंदर अंदर जाके लो जिहड़ा कि साड़ी कोई गल ही नहीं सुनता वो ढाडी ताकत है इत्थे कोई किसी का जोर नहीं चलता जिन्ना चिर संगत नाल हैगी है जिदा के कहो के काम हो जाएंगे पर वह वीर की गल करो भी सू नशे पत्ती वाला काम ना कोई आखो या कोई पुट्ठा सीधा काम ना हो साफ साफ जे काम बिजली बोर्ड का कोई पुलिस वाला एवं नजायज़ तंग करता कोई पटवारी है पटवारी अजकल तुम पता सारे महकमे ने मूँह अड़े अड्डे है किसी का मूँह अं भर नहीं सकते तो कोशिश करिए कट्ठे हो गए अपनी लड़ाई आप लड़िए इन बेनती करता है फतेह बुला वाहेगुरु जी का खालसा प्रधान का हुक्म है भी नारे लाने लोग कहते हैं नारे ला लिए सरकारा को ना चा करो अपनी रखिया करो अपनी रख दी करो तैयारी इकट्ठी होके चिंता सारी मांग मांग के देख लिया जोर अजमा के वेखांगे ए सरकारा कर दिया की हेरा फेरी 420 हेरा फेरी चक देंगे धौन ते गोटा रख देंगे शाम दूध दुकानदार मुलाजम एकता जिंदाबाद 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 मोदी सरकार है 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 मोदी है 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 ई करनगे जेला ठाणे लोकां दे हड़वते जाने ई करनगे जेला ठाणे लोकां दे हड़वते जाने ए सरकारा कर दिया की हेरा फेरी 420 हेरा फेरी चक देंगे धौन ते गोडा रख देंगे हेरा फेरी चक देंगे धौन ते गोडा रख देंगे शाम दूध दुकानदार मुलाजम एकता जिंदाबाद 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 मेरिया भैन बीबिया का एकता जिंदाबाद 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 काले कानून बनाने वाली सरकार का बेड़ा ही गर्क बेड़ा ही गर्क बेड़ा ही गर्क काले कानून बनाने वाली सरकार का बेड़ा ही गर्क बेड़ा ही गर्क बेड़ा ही गर्क काले कानून वापस करा के रवांगे करा के रवांगे करा के रवांगे काले कानून वापस करा के रवांगे करा के रवांगे करा के रवांगे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।